हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर। ग्रामर सीरीज के अंतर्गत आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं टेंस से रिलेटेड एमसीक्यू। देखते हैं पहला। वी ब्लैंक हर अ ब्यूटीफुल ड्रेस लास्ट ईयर। ठीक है, तो हमने एक ब्यूटीफुल ड्रेस जो है दी लास्ट ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन है कि ब्यूटीफुल ड्रेस आप यहाँ पर वी के साथ क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें चेक करना है। वी के साथ गिव यूज किया जा सकता था, लेकिन यहां पर बात क्या हो रही है, लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मीन्स पिछले साल, और पिछले साल में ये वी गिव जो है वो प्रेजेंट का सेंस देता है। वी गिव का मतलब होता है हम देते हैं। ठीक है, और लास्ट ईयर है तो यह नहीं होगा। सेकेंड नंबर पर है गिव्स। अब वी के साथ गिव्स का यूज नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि आई, we, you, they और प्लूरल के साथ हम प्रेजेंट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं तथा ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज करते हैं। तो वी के साथ गिव्स का यूज किया जा सकता है, नहीं यूज किया जा सकता, क्योंकि वी के साथ केवल फर्स्ट फॉर्म आता है, तो यह भी इनकरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है वी गेव। हाँ, यह एक संभावना बन सकती है। लास्ट वाला देखते हैं, वी हैज गिवन। देखिए, यह भी ध्यान रखना है आपको कि ये जो हैव हैज अगर हमें यूज करने की बात आए तो ऊपर वालों के साथ हम हैव का यूज करते हैं और नीचे वालों के साथ हैज का यूज करते हैं। ठीक है, परफेक्ट टेंस की बात हो गई तो वी के साथ हम क्या यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं, और यहां पर क्या दिया हुआ है, हैज दिया हुआ है। तो यहां पर जो पहले क्वेश्चन में है, करेक्ट आंसर क्या होगा, गेव। करेक्ट आंसर क्या होगा, गेव। वी गेव, हमने दी हर अ ब्यूटीफुल ड्रेस, उसे एक ब्यूटीफुल ड्रेस दी लास्ट ईयर पिछले साल। ये जो लास्ट ईयर वाला ऑप्शन, जब इस तरीके का कोई सेंटेंस में एडवर्ब दिया जाता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरीके के सेंटेंसेस के लिए मोस्टली हम पास्ट इंडेफिनाइट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ए पास्ट इंडेफिनाइट का यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट समझते हैं, वी शुड नॉट ब्लैंक फ्रॉम मेकिंग सच अ सेक्रीफाइस। वी शुड नॉट श्रिंक, श्रिंक्स, श्रेंक एंड श्रंक। समझते हैं, ये श्रिंक श्रेंक का मतलब एक सिकुड़ना का सेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो श्रिंक जो है यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, श्रिंक्स है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, जिसको हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहते हैं, श्रेंक है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और श्रंक है वर्ब का थर्ड फॉर्म। ध्यान क्या रखना है, यहां पर आपको एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा कि जब भी कोई मोडाल, अब मोडाल के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड्स आते हैं ये हमने पिछले जो क्लास ली थी उसमें सारी चीजें बता दी गई है। मोडाल के अंतर्गत या मोडाल के साथ इंस्टेंट बाद अगर हमें वर्ब लगाने की बात कहे तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। मोडाल के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। इट मीन्स can, could, should, may, might, would, इनके जस्ट बाद अगर हमें वर्ब का फॉर्म यूज करना है तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। यहां पर भी वही बात हो रही है, वी शुड नॉट। अब यहां पर शुड के जस्ट बाद हमें वर्ब का यूज करना है तो ध्यान रखेंगे इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, इट मीन्स श्रिंक का यूज किया जाएगा। बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट समझ में आया। ठीक है, इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट है आपके लिए बहुत ही प्यारा, जिसको आप याद रख सकते हैं कि अगर एक तो ये इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, मोडाल के जस्ट बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। सेकेंड कॉन्सेप्ट समझेंगे कि अगर मोडाल के जस्ट बाद, अगर मोडाल के जस्ट बाद हैव का यूज किया गया है
तो इन दैट केस उस स्थिति में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अगर मोडल के साथ हैव का यूज किया गया है तो इन दैट केस हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। बात समझ में आई? मोडल के जस्ट बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है और मोडल के बाद अगर हैव दिया हुआ है तो फिर हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? इसको आप समझ सकते हैं कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट समझेंगे बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट, ईच ऑफ दिस फ्रेजेस, ईच ऑफ दिस फ्रेजेस ब्लैंक अ डिफरेंट मीनिंग, ब्लैंक अ डिफरेंट मीनिंग, मतलब इसमें से हर एक फ्रेज जो है उसका डिफरेंट मीनिंग है। ठीक है, तो अब ईच के साथ हम हैव का यूज करें, ईच ऑफ दिस फ्रेजेस के साथ हैज का यूज किया जाए, हैव का यूज किया जाए, आर का यूज किया जाए या वर का यूज किया जाए। एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि जब कभी भी किसी सेंटेंस में, जब किसी कभी भी किसी सेंटेंस में ईच एवरी की बात हो रही हो, जब कभी भी किसी सेंटेंस में ईच या एवरी की बात हो रही है तो वहाँ पर उसके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। किसके साथ? ईच या एवरी की बात अगर हो रही हो तो वहाँ पर हम सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हमारे लिए सिंगुलर वर्ब हमें यूज़ करना है तो सिंगुलर वर्ब है क्या? इसमें देखिए, हैज जो है एक सिंगुलर वर्ब है, हैव जो है वो एक प्लूरल वर्ब है। ठीक है, आर भी हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं, यह भी एक प्लूरल वर्ब है और वर भी एक प्लूरल वर्ब है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ईच और एवरी की जब भी बात होगी तो हम कौन सी वर्ब का यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब। यहां पर जो हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इन चार ऑप्शंस में हमारे पास सिंगुलर वर्ब कौन सी है? तो हमारे पास एकमात्र सिंगुलर वर्ब है जो है हैज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? हैज का यूज किया जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से आपके जो है, और ये वे क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। एक भी क्वेश्चन हमने अननेसेसरी नहीं दिया है, सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हुए हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको केयरफुली देखिएगा, और हाँ, जो भी अपने फ्रेंड्स लोग हैं जो अलग अलग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें साझा जरूर कर दीजिएगा, उन्हें शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन टू फिल इन द ब्लैंक्स, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है क्या? ईच ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ईच ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फाइव चॉइसेस। ठीक है, हर एक ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के पांच विकल्प होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर वही ऑप्शन आया है। ठीक है, आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने कॉन्सेप्ट बताया था, क्या बताया था कि अगर किसी सेंटेंस में ईच या अगर किसी सेंटेंस में ईच या एवरी की बात हो रही हो तो इनके जस्ट बाद अगर नाउन लगाने के लिए यूज करने के लिए हमें आता है तो सिंगुलर नाउन का यूज करना है, और जो वर्ब यूज होगी वह भी सिंगुलर वर्ब यूज होगी, जो वर्ब यूज होगी वह भी सिंगुलर वर्ब यूज होगी। थोड़ी देर पहले हमने बताया था, क्या बताया था कि हैव प्लूरल वर्ब है, आर प्लूरल वर्ब है, ये वर्ब वास का फर्स्ट पास्ट है तो यह भी प्लूरल वर्ब है। करेक्ट आंसर जो होता है यहां पर सिंगुलर में वो हैज होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो हैज क्या है? एक सिंगुलर वर्ब है, और हमने रूल में पढ़ा है कि ईच एवरी वाला जो भी कॉन्सेप्ट आता है उसके साथ जो वर्ब लगाते हैं वो सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपको भी ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा मिलता रहे, और सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक अगला नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। नेक्स्ट है मेन, मेन ब्लैंक हाउ टू रीच द मोस्ट डिस्टेंट प्लैनेट्स। ठीक है, मेन जो है वो उसके बारे में अब जो है कि वो जानना चाहता है, जानता है जो भी है, हाउ टू रीच द मोस्ट डिस्टेंट प्लैनेट्स, कि मोस्ट डिस्टेंट जो अत्यधिक दूरी पर जो प्लैनेट्स है उन तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर अब आपको बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट और समझने को मिलेगा। जो एम ए एन है, एम ए एन ये सिंगुलर है, और जो एम ई एन मेन होता है वह होता है प्लूरल। ठीक है, इट मीन्स यहां पर जो मेन है वो सिंगुलर है। अब सिंगुलर है तो हम यहां पर सिंगुलर के साथ क्या यूज कर सकते हैं? तो भैया सिंगुलर के साथ हैज का यूज किया जा सकता है, सिंगुलर के साथ डिड का यूज किया जा सकता है, सिंगुलर के साथ डज का यूज किया जा सकता है, सिंगुलर के साथ डू का यूज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो एक तो क्या हो गया ये। अब हमें ढूंढना क्या है? हमें ढूंढना है करेक्ट। अब करेक्ट हमारे पास कितने हैं? करेक्ट हमारे पास तीन है। अब इसको टेंस को समझेंगे। ठीक है, कि मैन हैजंट न्यू, अब एक बहा मैन हैजंट न्यू,
अब हमने एक और कॉन्सेप्ट आपको समझना है, क्या कि हैव, हैज और हैड के साथ हैव, हैज और हैड के बाद या हैव, हैज, हैड के साथ जब कभी भी आपको वर्ब का उपयोग करना पड़े, जब कभी भी आपको वर्ब का उपयोग करना पड़े तो हमेशा ध्यान रखना हम वर्ब का थर्ड फॉर्म उपयोग करते हैं, हम वर्ब का थर्ड फॉर्म उपयोग करते हैं। यहाँ पर ये जो नो है, नो फर्स्ट फॉर्म है, नो फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकेंड फॉर्म जो होता है वो न्यू होता है, और जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है नोन। अब देखिए यहां पर हैज के साथ कौन सा फॉर्म यूज किया गया है, न्यू सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है। हमने क्या कहा है कि हैव, हैज, हैड के बाद हमेशा कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा, तो यह भी हमारे लिए क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है, यह भी हट जाता है। अब हमारे पास दो विकल्प बचे हैं, एक तो डिडंट नो और दूसरा है डज नॉट नो, ठीक है। और एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट आप समझेंगे, ठीक है, एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट समझेंगे, ये जो मैं आपको अलग से जो बातें बता रहा हूँ इनको अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा टेंस से रिलेटेड, ठीक है। हैव, हैज, हैड के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। जो भी आपने नोट्स बनाया है उस नोट्स में इन सारी चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझेंगे कि जब कभी भी हमें डी आई डी डिड की बात हो और इसके साथ अगर हमें कभी का यूज करना पड़े तो हमेशा डिड के साथ, हमेशा डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उपयोग किया जाता है, डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। अब मुझे बताइए कि डिड के साथ ये न्यू जो है फर्स्ट फॉर्म है या सेकेंड फॉर्म है, तो न्यू हमारे पास सेकेंड फॉर्म है, जो कि इनकरेक्ट हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। अब बचता क्या है, अब एकमात्र विकल्प हमारे पास बचता है डज नॉट नो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, मैन डज नॉट नो, व्यक्ति नहीं जानता है कि हाउ टू रीच द मोस्ट डिस्टेंट प्लेनेट्स, कि जो सबसे ज्यादा दूर पर हमारे साथ जो प्लेनेट्स है उन तक कैसे पहुंचा जाता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस व्हेन यू रीच द टॉप ऑफ द हिल। यहाँ पर सेंटेंस क्या है कि व्हेन यू रीच द टॉप ऑफ द हिल, जब आप किसी हिल के टॉप पर पहुंचते हो, यू ब्लैंक द सी, ठीक है, तो यू विल सीइंग द ब्लैंक, यू हैव सीन, यू विल सी, यू आर सीइंग। अब वर्ब वाला जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, ठीक है, विल बी सीइंग, ये बात हो रही है कॉन्टिन्यूस की, किसकी बात हो रही है, कॉन्टिन्यूस की। हैव सीन, यह बात हो रही है परफेक्ट की, किसकी बात हो रही है, परफेक्ट की, ठीक है। विल सी, यह बात हो रही है फ्यूचर की, और कौन से, इनडेफिनेट, ठीक है। और आर सीइंग का मतलब होता है प्रेजेंट में कंटिन्यूस। अब देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट यहां पर आपको समझने को मिलेगा, इसको अलग से मैं स्लाइड के माध्यम से आपको समझा देता हूं ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी रहे। देखिए क्या ध्यान रखना है कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत इफ से हो रही है, वेन से हो रही है, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत इफ से हो रही है, वेन से हो रही है, तो ऐसी स्थिति में अगर पहला सेंटेंस आपको प्रेजेंट सिंपल में दिया हुआ है, अगर पहला सेंटेंस आपको प्रेजेंट सिंपल में दिया हुआ है और दूसरे सेंटेंस में आपको सेल्फ डिसाइड करना है, खुद डिसाइड करना है कि यहाँ पर क्या आएगा, तो फिर आपको ध्यान रखना है यहाँ पर हम फ्यूचर सिंपल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं फ्रेंड्स, फ्यूचर सिंपल का यूज करते हैं। किसके बाद, पहला सेंटेंस अगर प्रेजेंट सिंपल में दिया हुआ हो तो दूसरा सेंटेंस हम कौन सा यूज करते हैं, फ्यूचर सिंपल। स्ट्रक्चर के माध्यम से अगर समझे, अगर पहले सेंटेंस में आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ हो या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस दिया हुआ हो, ठीक है, अगर पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ, पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हो या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस दिया हुआ हो, तो दूसरे सेंटेंस में, तो दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के साथ
विल या शेल का प्रयोग करते हुए हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। बात समझ में आ गई? इस स्ट्रक्चर का, ये जो हमने स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा है, इस स्ट्रक्चर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्टेट लेवल की जितनी भी एग्जाम्स होती है, इन सारी एग्जाम्स का ये फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता है, ठीक है। ये कंडीशनल सेंटेंसेस के अंतर्गत है, ठीक है। तो यह जो है कि पहला सेंटेंस अगर प्रेजेंट सिंपल में दिया हुआ हो तो दूसरा सेंटेंस फ्यूचर सिंपल में उपयोग किया जाएगा। अब समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या था। ठीक है, अब समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या था। हमारा क्वेश्चन था कि पहला सेंटेंस When you reach मतलब जब आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर उपयोग किया गया है। हमने क्या कहा था कि सब्जेक्ट के साथ अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उपयोग किया जाता है तो दूसरा सेंटेंस जो रहेगा वो सिंपल फ्यूचर में आएगा, ठीक है। ये कंटिन्यूअस है पहला, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है? दूसरा हैव सीन परफेक्ट है, तो परफेक्ट वाला भी गलत हो जाएगा। ये विल सी जो है ये है फ्यूचर इंडेफिनेट, और ये जो आर सीइंग है ये कंटिन्यूअस है, तो यह भी गलत हो जाता है। करेक्ट आंसर क्या बचता है? विल सी। अगर पहला प्रेजेंट सिंपल में है तो दूसरा फ्यूचर सिंपल में आएगा। यहां पर अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है तो यहां पर विल या शैल के साथ, यहां पर विल या शैल के साथ हम वर्ब का फर्स्ट यूज करेंगे। तो यहां पर विल शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? विल सी। तो यह होगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, समझते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच क्वेश्चन। देखिए ये आ गया कॉन्सेप्ट वापिस, ईच एंड एवरी वाला जो हम कॉन्सेप्ट आपसे बात कर रहे थे, जो आपको बता रहे थे। क्या बता रहे थे? कि ईच और एवरी के साथ हमेशा जो वर्ब यूज की जाएगी वो सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। अब हमने कहा है कि आर कौन सी वर्ब है, यह प्लूरल वर्ब है। वर कौन सी वर्ब है, यह प्लूरल वर्ब है। हैव कौन सी वर्ब है, यह प्लूरल वर्ब है। बचती कौन सी वर्ब है, हैज। यह करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट समझते हैं, ठीक है। अब देखिए कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसके किसी एक पार्ट में एरर है। समझते हैं कौन से पार्ट में एरर है। इफ आई वॉन अ मिलियन डॉलर्स आई वुड हैव स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ माय ऑन, ठीक है। इफ आई वॉन अगर मैं जीतता हूं अ मिलियन डॉलर्स तो क्या करूंगा मैं? आई वुड हैव स्टार्ट, ठीक है। अब आपको एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट हमने वैसे तो बताया है, कौन सा? हमने यह कहा है, आपको थोड़ी देर पहले ही कहा है कि जब कभी भी आपको हैव, हैज और हेड कहीं पर दिखे और वर्ब लगाने की बारी आए तो हमेशा हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। हैव, हैज एंड हेड के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। फ्रेंड्स यहां पर हैव दिया हुआ है और हैव के साथ जो स्टार्ट है यह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए यह इनकरेक्ट है। तो हमें ढूंढना क्या था? हमें ढूंढना था कि एरर किस पार्ट में है। तो हमारा जो एरर है वो पार्ट सेकेंड में है। एक तरीका तो यह हो गया। इसके अलावा भी इस सेंटेंस में, इस स्टेटमेंट में एक और गलती दी हुई है। समझाता हूँ कि आखिरकार वो कौन सी गलती है, देखेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझेंगे। अभी थोड़ी देर मैंने पहले आपको कहा कि जब बात हो इफ की, जब बात हो वेन की, ठीक है, जब बात हो आई विश की, या इस तरीके से कोई सी भी कंडीशन दी हुई हो, कोई सी भी शर्त दी हुई हो, ठीक है, इस तरीके से कोई सी भी कंडीशन दी हुई हो, कोई सी भी शर्त दी हुई हो, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया जा रहा है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया जा रहा हो और अगले सेंटेंस में आपको फील करना हो, तो उसके साथ हमेशा एक स्ट्रक्चर फॉलो होता है, वो होता है सब्जेक्ट प्लस पास्ट के मॉडल्स प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पास्ट का मॉडल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इट मीन्स यहां पर यूज किया जाएगा कुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, शुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, माइट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म,
वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कब? अगर यह वाला सेंटेंस आपका पास्ट इनडेफिनेट में है, अगर पहला सेंटेंस हमारा पास्ट इनडेफिनेट में है तो दूसरे वाले सेंटेंस में कुड वुड शुड के बाद जस्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उपयोग किया जाएगा। अब यहां पर क्या हुआ है इस स्टेटमेंट में अगर हम देखते हैं तो यहां पर क्या हुआ कि आई वुड के बाद एक तो हैव का यूज किया जो कि एक परफेक्ट वाला सेंस लेकर के आता है, ठीक है, और इस हैव के बाद क्योंकि हैव एक तो प्रेजेंट वाला का है, ठीक है, तो ये तो उपयोग होना ही नहीं चाहिए। दूसरा स्टार्ट है जिसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो फाइनली अल्टीमेट जो एरर है वो सेकेंड वाले पोर्शन में है। नेक्स्ट समझते हैं, If he will ask me for help, I will definitely help him. यह वही एरर है जो हमने आपको पहला वाला स्ट्रक्चर बताया था। समझते हैं पहले वाला स्ट्रक्चर, पहले इसको समझ लेंगे। If है और if के साथ पहला सेंटेंस किसमें दिया है इसने? प्रेजेंट में नहीं दिया है, ये किसमें दिया है? यह दिया है फ्यूचर इंडेफिनेट में। किसमें दिया गया है ये सेंटेंस? फ्यूचर इंडेफिनेट में। और दूसरा सेंटेंस भी किसमें दिया गया है? विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब यह भी किसमें दिया हुआ है? फ्यूचर इनडेफिनेट में। आपको कौन सा फॉर्मूला फॉलो करना है, कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है देखेंगे। हमने बात की थी कि अगर इस तरीके का कोई सा स्टेटमेंट आ जाता है तो वहां पर हम इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। कौन सा? कि अगर इफ और वेन से स्टार्ट हो रहा है और अगर आपको प्रेजेंट है फ्यूचर की बात वहां पर करना है तो पहला स्टेटमेंट जो इफ या वेन के साथ होगा वह प्रेजेंट सिंपल का होगा और दूसरा क्या होगा? फ्यूचर सिंपल का होगा, ठीक है, दूसरा क्या होगा? फ्यूचर सिंपल का होगा। हमारे पास जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें पहला भी फ्यूचर का है और दूसरा भी फ्यूचर का है, तो यह क्या हो जाएगा? पहले ही पार्ट में एरर है, पहले ही पार्ट में एरर है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? यह होगा। यहां पर क्या यूज किया जाना था? यहां पर विल आस्क की जगह पर इफ ही आस्क, इफ ही आस्क, ठीक है, यह जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो पहले आंसर में ही एरर है, ठीक है, पहले स्टेटमेंट में ही एरर है, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, आप समझते रहिएगा, बहुत सारी चीजें आपको आज सीखने को मिलेगी। नेक्स्ट है कि आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को पढ़ना है और इसके किसी पार्ट में एरर है, ठीक है, समझते रहे हैं कि कौन से पार्ट में एरर है, ठीक है। ही हैव बीन डायलिंग योर नंबर सिंस यस्टरडे, ही हैव बीन डायलिंग योर नंबर सिंस यस्टरडे, ठीक है, वह जो है कंटिन्यूसली कॉलिंग कर रहा है आपके नंबर पर। अब देखिए, आपको हमने स्टार्टिंग में ही एक कॉन्सेप्ट बताया था, क्या बताया था कि जब कभी भी आई वी यू दे और प्लूरल की बात हो या फिर ही शी इट नेम या सिंगुलर की बात हो और आपके सामने दो विकल्प दिए हुए हो कि हैव का यूज करो या हैज का यूज करो, तो ऊपर वालों के साथ हमें हैव का यूज करना है और नीचे वालों के साथ हमें हैज का यूज करना है, ठीक है। आई वी यू दे प्लूरल के साथ हैव का यूज किया जाता है, ही शी नेम इट सिंगुलर के साथ हैज का यूज किया जाता है। अब मुझे बताइए, यह जो ही है, ही के साथ क्या यूज किया जाना चाहिए? ही के साथ हैज यूज किया जाना चाहिए। यहां पर क्या यूज कर किया गया है? हैव का यूज किया गया है, जो कि इनकरेक्ट है, ठीक है। तो एरर कौन से पार्ट में है? पहले ही पार्ट में एरर है। यहां पर हैव की जगह पर हम किसका यूज करेंगे? हैज का यूज करेंगे। हैव की जगह पर हम हैज का यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे। यह इतने प्यारे कॉन्सेप्ट हैं कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट समझते हैं, अ काम सी, एक शांत समुद्र जो होता है, डू नॉट मेक अ स्किल्ड सेलर। वो अगर शांत जो है समुद्र में कोई भी व्यक्ति अच्छा तैराक नहीं बन सकता है, ठीक है, कांट डू नॉट मेक अ स्किल्ड सेलर। अब देखिए, ये जो डू है, ठीक है, यह जो डू है, डू और डज के बारे में भी आपको कॉन्सेप्ट हम बता देते हैं, डू और डज के बारे में भी आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि अगर देखिए मोस्टली सब्जेक्ट इसी तरीके के आएंगे, आई वी यू दे या फिर प्लूरल की बात हो, आई वी यू दे या फिर प्लूरल की बात हो और आपको डू या डज का यूज करना हो, आपको डू या डज का यूज करना है, तो ध्यान रखेंगे एक बात, क्या?
कि ऊपर वालों के साथ डू का यूज करना है और नीचे वालों के साथ डज का यूज करना है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, ऊपर वालों के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, नीचे वालों के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज करना है। सर ये बात तो हमें समझ में आ गई, लेकिन हमारा सब्जेक्ट है अ काम सी, हमारा सब्जेक्ट क्या है अ काम सी, और यहां पर तो अ काम सी दिया हुआ ही नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में हम डू लगाए या डज लगाए। देखिए अगर इस तरीके का कोई सा सब्जेक्ट अगर आपके सामने आता है तो आपको यह देखना है कि वह सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। ए मतलब एक की बात हो रही है, ए मतलब एक की बात हो रही है, तो एक शांत समुद्र जो होता है, ठीक है, एक शांत समुद्र एक की बात हो रही है, एक मतलब सिंगुलर की बात हो रही है, और सिंगुलर के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, सिंगुलर के साथ हम डज का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, सिंगुलर के साथ किसका यूज़ करते हैं, डज का यूज़ करते हैं, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर डू दिया हुआ है, तो एरर कौन से पार्ट में है, एरर है बी वाले पार्ट में। बात समझ में आ रही है, ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट हैं और बहुत ही ज़्यादा आपको सीखने को लेगा। आप हमारे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए, समझते रहिए, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि काम की चीजें हो सकती है तो आप हमारे चैनल को जो है लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी पहुंचे। दूसरा है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हां अगर आप हमारे कोर्सेज के बारे में और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो मास स्टडी एक ऐप है जिसे आप प्ले स्टोर से या फिर अगर आईफोन यूज़र है तो उसके जो भी स्टोर है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं मास स्टडी ऐप, जिस पर हमारे विभिन्न प्रकार के कोर्सेस हैं, कंप्लीट ग्रामर कोर्स और बहुत सारे कोर्सेस हैं जिनकी आपको जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, समझते हैं कि इफ़ माई अंकल विल कम टू दिल्ली ही विल मीट यू नोयर। ये वही कॉन्सेप्ट है जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। कौन सा कॉन्सेप्ट है कि इफ के साथ पहला स्टेटमेंट जो आएगा वह आएगा प्रेजेंट में और दूसरा स्टेटमेंट जो आएगा वह फ्यूचर में। अब बताइए यहां पर माय अंकल पहला स्टेटमेंट विल की बात हो गई, विल क्या बताता है, फ्यूचर को बताता है। हमने क्या पढ़ा है कि इफ के साथ पहला स्टेटमेंट किस में आता है, प्रेजेंट में आता है, दूसरा किस में आता है, फ्यूचर में आता है, तो एरर कौन से पार्ट में हो गया, सेकेंड पार्ट में हो गया, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, If it had snowed yesterday, if it had snowed yesterday, the boys would have definitely gone for skiing. सर आपने सारे कॉन्सेप्ट बताए पर ये हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म तो बताया ही नहीं। चलिए समझते हैं ये हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए एक तो स्टेटमेंट हमने ये आपको बताया, दूसरा स्टेटमेंट हमने ये बताया आपको कि अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म उपयोग किया जा रहा है, अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म उपयोग किया जा रहा है और उसके साथ आपको दूसरा स्टेटमेंट जोड़ना है, तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद पास्ट का मॉडल कोई सा भी यूज़ करते हैं। पास्ट का मॉडल कौन सा होता है, तो पास्ट का मॉडल होता है शुड हो गया, वुड हो गया, माइट हो गया, Could यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पास्ट के मोडाल के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। एक तो यह स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, बहुत ही प्यारा स्टेटमेंट है, समझेंगे। अगर सब्जेक्ट के साथ हेड का यूज किया जा रहा है और वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर पहले स्टेटमेंट में ही आ जाए, तो ऐसी स्थिति में हमें एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, वह है कि सब्जेक्ट का सबसे पहले तो हम यूज़ करेंगे, फिर हम मोडाल का यूज़ करेंगे, फिर ध्यान रखेंगे हैव का यूज़ करेंगे, और फिर हम वर्ब का थर्ड फॉर्म उपयोग करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। दूसरे स्टेटमेंट में क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, इसलिए हमने मोडाल का भी केवल सेकेंड फॉर्म लगा दिया। पहला स्टेटमेंट प्रेजेंट में था इसलिए दूसरा फ्यूचर में कर दिया। यहां ये पास्ट सिंपल में था इसलिए इसको भी पास्ट सिंपल में किया। यहां पर ये परफेक्ट की बात हो रही है, जब भी हैव हैज हेड की बात होती है और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है तो वह परफेक्ट का सेंस देते हैं। तो यहां पर हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब परफेक्ट का यूज किया जा रहा है और मोडाल का जो परफेक्ट होता है वह मोडाल के साथ हैव लगा करके वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। तो यहां पर इस कॉन्सेप्ट में आपको वही कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है कि अगर हेड के साथ
वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है सब्जेक्ट के बाद अगर हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो फिर हम मोडाल में देखते हैं कि वुड एक मोडाल है, उसके बाद है, यह बात भी सही है, और गोन जो है यह वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मतलब इस सेंटेंस में, इस स्टेटमेंट में कोई भी एरर नहीं है, मतलब नो एरर को टिक किया जाएगा। नेक्स्ट समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है देयर हैज बीन मेनी। अब एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट समझने को मिलेगा, कई बार किसी स्टेटमेंट की शुरुआत जो होती है वो या तो देयर से होती है या हियर से होती है। कभी कभी कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ सेंटेंसेस की शुरुआत देयर या हियर से होती है जो कि एडवर्ब होते हैं, सब्जेक्ट नहीं होते हैं। देयर या हियर एडवर्ब होते हैं, यह सब्जेक्ट नहीं होते हैं। देयर के हिसाब से या देयर के अकॉर्डिंग इज या आर का उपयोग नहीं किया जाता है। देयर के अकॉर्डिंग या देयर के हिसाब से इज या आर का उपयोग नहीं किया जाता है। सर पर हम तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि देयर आर मेनी फ्रेंड्स, देयर इज अ स्कूल। तो यहाँ पर हमने, तो भैया आपने देयर पहले स्टेटमेंट में क्या लगाया कि देयर आर मेनी फ्रेंड्स, दूसरे स्टेटमेंट में क्या लगाया कि देयर इज अ स्कूल। देयर आर many friends, there is a school। अब मुझे बताइए कि जो हमने यह is और are का उपयोग किया है क्या इस there के हिसाब से किया है? जी नहीं, there तो verb है, adverb है। यहाँ पर there क्या है? adverb है। हमने जो यह is और are का उपयोग किया है, यह is और are के बाद आने वाले, is और are के बाद आने वाले वर्ड्स के हिसाब से किया है। जैसे मेनी फ्रेंड्स मतलब प्लूरल है, तो प्लूरल है तो हमने क्या यूज़ किया? आर का यूज़ किया। और स्कूल एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो हमने किसका यूज़ किया? इज का यूज़ किया। यहाँ पर भी उसी कॉन्सेप्ट को हमें समझना है। देयर हैज बीन मेनी अर्थक्वेक्स, मेनी अर्थक्वेक्स मीन्स बहुत सारे भूकंप। अब बहुत सारे के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं कि हैज का यूज़ करते हैं? बहुत सारे के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं कि हैज का यूज़ करते हैं? तो बहुत सारे के साथ तो हम हैव का यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है? हैज का यूज़ किया गया है, जो कि इनकरेक्ट है। तो पहले सेंटेंस में एरर है। यहाँ पर बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं कि इफ आई हैड, अगर मेरे पास होते अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे, आई वुड हैव डन अ लॉट ऑफ चैरिटी, तो मैं बहुत सारा दान धर्म करता। ठीक है, तो भैया जितने हैं उसमें से कितना करते हैं उसके आधार पर बात होगी। चलिए, इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी। अब यह देखिए, यह सब्जेक्ट है और ये जो हैड है यह वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। यह सब्जेक्ट है और ये जो हेड है यह वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर परफेक्ट की बात नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि अगर परफेक्ट होता तो इस हेड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ हुआ था। लेकिन यहाँ पर कोई परफेक्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सामान्य बात हो रही है। यहाँ पर किसी वर्ब का उपयोग नहीं किया गया है, यह जो हेड है स्वयं वर्ब के रूप में आया है। तो सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है तो बताइए कि अगला स्टेटमेंट क्या होता है? तो हमने देखा है, क्या देखा है कि अगर सब्जेक्ट के बाद अगर तुरंत वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ जाए, सब्जेक्ट के बाद अगर तुरंत वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ जाए तो अगले स्टेटमेंट में मोडाल के जस्ट बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। मोडाल के जस्ट बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। अब मुझे बताइए कि हमने जो स्टेटमेंट देखा है उसमें क्या है? अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो मोडाल के बाद क्या आना चाहिए? मोडाल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। अब यहाँ मोडाल के बाद देखिए हैव, और ये आ गया वर्ब का थर्ड फॉर्म। मतलब ये हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म तो कौन सा है? हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म जो हमने यूज़ किया था, ये परफेक्ट में यूज़ किया था। कहाँ पर? कि मोडाल और हैव वर्ब
का थर्ड फॉर्म, ठीक है, लेकिन हेड के बाद हमारे पास वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, हमारे पास डायरेक्ट सेकेंड फॉर्म है, तो मोडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आना था। इसलिए यहाँ पर जो एरर है वो कौन से पार्ट में है, इस पार्ट में है। क्यों पार्ट इस पार्ट में, क्योंकि यहाँ पर हैव डन की जगह पर, हैव डन की जगह पर वुड के साथ डू डायरेक्ट आ जाता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है, यहाँ पर हैव एज एट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज नहीं किया गया है। बात समझ में आ रही है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, इन सारे कॉन्सेप्ट को आप समझते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि इफ शी हैव वर्कड हार्ड, इफ शी हैव वर्कड हार्ड, ये बात सही है, ये परफेक्ट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, परफेक्ट की। अगर पहला स्टेटमेंट परफेक्ट में है तो दूसरा स्टेटमेंट भी किस में होना चाहिए, परफेक्ट में होना चाहिए। अगर पहला स्टेटमेंट प्रेजेंट में है, अगर पहला स्टेटमेंट प्रेजेंट में है तो दूसरा स्टेटमेंट किस में होना चाहिए, फ्यूचर में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, फ्यूचर में। अब देखिए इसमें लिखा गया है कि इफ़ शी हैव वर्कड हार्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, अगर पहला स्टेटमेंट प्रेजेंट में तो दूसरा किस में होना चाहिए, फ्यूचर में। अब ये परफेक्ट में दूसरा भी कौन सा होना चाहिए, परफेक्ट में। तो इफ़ शी हैव वर्कड हार्ड शी वुड हैव टॉप्ड द यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब देखिए ये प्रेजेंट में है तो यहाँ पर ये पास्ट नहीं यूज़ किया जाता, ये वुड जो है ये एक पास्ट का स्टेटमेंट देता है। इसका फ्यूचर क्या होता है, इसका फ्यूचर होता है विल, क्या होता है विल। तो यहाँ पर प्रेजेंट में अगर दिया हुआ है तो यहाँ पर विल हैव का यूज़ किया जाना था। तो यहाँ पर जो एरर है वो सेकेंड वाले पार्ट में एरर है। नेक्स्ट समझते हैं, ऑल चार्जेस अगेंस्ट देम वर विड्रू आफ्टर द प्रोसेशन केस कलेप्स्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, सॉरी प्रोसिक्यूशंस, ऑल चार्जेस अगेंस्ट देम वर विड्रॉन। अब ये जो है ऑल चार्जेस अगेंस्ट देम, ठीक है, हमारा सब्जेक्ट जो है वो है, ये एक्चुअल में सब्जेक्ट नहीं है, ये है ऑब्जेक्ट। इस स्टेटमेंट में यूज किया गया है पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस में जब प्रेजेंट की बात होती है तो उसका स्ट्रक्चर होता है कि ऑब्जेक्ट के साथ हम प्रेजेंट में एम इज आर का यूज करते हैं और पास्ट में वॉज या वर का यूज करते हैं तथा उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। ध्यान यह रखेंगे कि एक अगर उसको फॉर्मूला दूं तो यह है कि एम इज आर वॉज या वर्ग के साथ कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उपयोग नहीं किया जाता है, कभी भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। क्या एम इज आर वॉज वर्ग के साथ कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उपयोग नहीं किया जाता है, कभी भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म उपयोग नहीं किया जाता है, तो फिर सर क्या उपयोग किया जाता है, अगर शुरू में सब्जेक्ट है तो फिर वाज वर्ग के साथ, तो फिर वाज वर्ग के साथ हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म उपयोग करते हैं, और अगर शुरू में ऑब्जेक्ट है तो फिर वाज वर्ग के साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अब यहाँ पर जो ऑल चार्जेस लगाए गए थे, लगाने वाला कोई नहीं है, लगाने वाले कौन है, प्रोसिक्यूशंस है, ठीक है, इसमें जजेस थे उन्होंने लगाए थे चार्जेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ऑल चार्जेस अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ जितने भी चार्जेस लगाए गए थे, ये पैसिव की बात हो रही है, और पैसिव वाले सेंटेंसेस में हम यूज़ करते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म, कौन सा यूज़ करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म। विड्रॉ फर्स्ट फॉर्म है, विड्रू जो है वो सेकेंड फॉर्म है, और विड्रॉन जो है थर्ड फॉर्म है। तो ये जो विड्रू है ये एक्चुअल में क्या है, सेकेंड फॉर्म है। हमने क्या बोला है कि एम इज आर वाज वर के साथ कभी भी सेकेंड फॉर्म का उपयोग नहीं किया जाता है, और यहाँ पर इन्होंने कौन सा फॉर्म यूज किया है, सेकेंड फॉर्म, जो कि क्या है, इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या होगा, वर्ब का
थर्ड फॉर्म। तो एरर कौन से पार्ट में है? पहले वाले पार्ट में है। आपको अगर मोडल से एक्टिव पैसिव नहीं पता है तो आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं, क्या कि एम इज आर वाज वर के बाद कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर सेकेंड फॉर्म का उपयोग हम नहीं करते हैं। कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है? अगर सब्जेक्ट के बाद एम इज आर वाज वर है तो आई एन जी का यूज किया जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट के बाद एम इज आर वाज वर है तो वर्ब के थर्ड फॉर्म का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट समझते हैं अगला क्वेश्चन कि सुनील हैज बीन टीचिंग। सुनील जो हैज बीन टीचिंग, यह है स्ट्रक्चर है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, ठीक है, क्योंकि हैव हैज का यूज हम परफेक्ट के लिए करते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो है हम कॉन्टिन्यूअस के लिए यूज करते हैं। तो सुनील हैज बीन टीचिंग, ठीक है, सुनील अब एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया, यह बात भी सही है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाया जाता है तो वह भी लगाया गया है, ठीक है। अब सुनील हैज बीन टीचिंग हिज चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, यह बात भी सही है। सिंस टू आवर, देखिए यहां पर एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट आपको समझने को मिलेगा, क्या कि जब हम टेंस पढ़ते हैं उसमें प्रेजेंट परफेक्ट समय पढ़ा जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो वहां पर दो विकल्प आते हैं कि टाइम के पहले हमें सिंस और फोर का यूज करना पड़ता है। जब कोई काम पिछले किसी निश्चित समय से प्रारंभ होकर अभी तक चल रहा होता है तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमें यूज करना होता है सिंस और फोर, और सिंस और फोर के बाद जो दिया हुआ रहता है वो दिया हुआ रहता है टाइम। हमारे पास जो टाइम दिया हुआ है वो टू आवर्स और टू आवर के साथ लगा है सिंस। क्या होना चाहिए? टाइम अगर फिक्स टाइम है या टाइम एक पॉइंट वाला टाइम है तो हम सिंस लगाते हैं, और अगर टाइम जो है वो ड्यूरेशन है तो फोर का यूज करते हैं। जैसे कि घड़ी में जब दो बजते हैं तो एक पॉइंट होता है, क्या पॉइंट होता है कि भैया बड़ा जो काटा जो रहेगा वो कितने पर रहेगा? 12 पर रहेगा, छोटा काटा जो रहेगा वो 2 पर रहेगा। तो ये 2 बजे क्या होगा? वो एग्जैक्ट टाइम है, एक पॉइंट है, ठीक है। और ये ड्यूरेशन क्या होगा? जब 2 आवर की बात की जाएगी तो यह होगा ड्यूरेशन। बात समझ में आ गई, ठीक है। 2 आवर क्या होगा? 2 आवर से जो होगा वह होगा ड्यूरेशन। ड्यूरेशन क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर 2 घंटे कोई से भी हो सकते हैं, 12 से 2 भी हो सकते हैं, 2 से 4 भी हो सकते हैं, 4 से 6 भी हो सकते हैं, 6 से 8 भी हो सकते हैं। तो ड्यूरेशन की जब बात करेंगे तो हम 4 का यूज़ करेंगे, और जब पॉइंट की बात करेंगे तो सिंस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर 2 आवर्स के साथ क्या यूज़ किया जाना था? 4 यूज़ किया जाना था, और यहाँ पर क्या यूज़ कर लिया गया है? सिंस यूज़ कर लिया गया है। तो जो एरर है, जो गलती है, वो कौन से पार्ट में है? तो वह है थर्ड वाले पार्ट में, इसमें एरर है। बात समझ में आ रही है? अगर आपको सारी चीजें समझ में आ रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों को फायदा पहुंचे इसका, और आपको भी इसका फायदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आउट ऑफ द गिवन 4 सेंटेंसेस चूज द वन विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है, नहीं तो क्या होगा? पहला क्वेश्चन देखेंगे आप इनकरेक्ट है, डायरेक्ट उसे टिक कर देंगे। क्या ढूंढना है? करेक्ट को ढूंढना है। अब करेक्ट की क्या पहचान है? देखिए यहां पर आपको और ग्रामर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने को मिलेंगे। शी हिड, यह एक वर्ब है जो कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म क्या है? एक वर्ब होती है हाइड, जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है उसका हिड। शी हिड द की इन द ड्रॉअर, शी हैज। अब एक बात और समझेंगे, क्या हमने क्या कहा है? हमने यह कहा है कि हैव, हैज और हैड के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें यूज करना है, अगर वर्ब का यूज करने की बात आए। शी हैज हिड, हाइड का सेकेंड फॉर्म क्या है? हिड। और थर्ड फॉर्म क्या है? थर्ड फॉर्म है हिडन। बात समझ में आ गई? हिडन क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैव हैज के बाद अगर वर्ब का यूज कर फॉर्म यूज करना पड़े तो हमें वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म। ये हिड कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, शी हैज, वही बात हो गई, हैज के साथ कौन सा फॉर्म यहां पर यूज कर लिया है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जो कि क्या होगा? गलत होगा। करेक्ट क्या होना चाहिए? थर्ड फॉर्म। शी हैव
अब शी के साथ क्या यूज कर लिया? हैव। हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि आई वी यू दे और प्लूरल के साथ हैव का यूज करते हैं और ही शी इट नेम और सिंगुलर के साथ हम हैज का यूज करते हैं। अब शी के साथ क्या यूज कर लिया गया है? हैव। जबकि शी के साथ क्या यूज होना चाहिए? हैज। तो यह भी गलत हो गया, यह भी गलत हो गया, यह भी गलत हो गया, यह सही है। क्यों है सही है? क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म उपयोग किया जा सकता है, लेकिन अगर सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज का यूज किया गया है तो हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? ध्यान क्या रखेंगे, हैव हैज हैड के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। आउट ऑफ द गिवन फोर सेंटेंस चूज द वन विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट। करेक्ट वाला ढूंढना है। ही हैज फॉरगिव, एक वर्ब होती है फॉरगिव जिसका मतलब होता है क्षमा करना। यह फॉरगिव फर्स्ट फॉर्म है, फॉरगिव सेकेंड फॉर्म है, और फॉरगिवन जो है वो थर्ड फॉर्म है। नियम क्या कहता है? हैव हैज के बाद हमेशा कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है? थर्ड फॉर्म। हमारे पास थर्ड फॉर्म कौन सा है? फॉरगिवन। किसमें यूज किया गया है फॉरगिवन? एक तो इसमें यूज किया गया है और एक इसमें यूज किया गया है, दो तो गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हैव हैज के साथ इन्होंने क्या यूज कर लिया है? सेकेंड फॉर्म उपयोग कर लिया है। ठीक है, अब हमारे पास जो दो विकल्प बचते हैं वो क्या? हैज फॉरगिवन और हैव फॉरगिवन। समझना क्या है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है कि नहीं। अभी हमने पिछली स्लाइड में क्या देखा था कि अगर आई वी यू दे सब्जेक्ट है तो हैव का यूज किया जाएगा और ही शी नेम इट सिंगुलर के साथ हैज का यूज किया जाएगा। हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट ही है। ही के साथ किसका यूज करते हैं? अपन हैज का यूज करते हैं, हैव का नहीं करते हैं, तो यह भी गलत हो गया। करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकेंड वाला। इसमें भी क्या ढूंढना है? ग्रामेटिकली करेक्ट को ढूंढना है। द बॉयज, अरे भैया बॉयज क्या है? प्लूरल है। प्लूरल के साथ हम किसका यूज करते हैं? हैव का यूज करते हैं। यहां पर बॉयज के साथ किसका यूज किया गया है? हैज का, गलत हो गया। बॉयज के साथ किसका यूज किया गया है? हैज का यूज किया गया है। बॉयज के साथ किसका यूज किया है? हैज का। करेक्ट क्या होगा? बॉयज के साथ हैव। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? नेक्स्ट समझते हैं। द चिल्ड्रन हैव बीन वॉचिंग, द चिल्ड्रन हैज बीन वॉचिंग, द चिल्ड्रन हैज बीन वॉचिंग, हैज बीन वॉचिंग। ठीक है, यह टेंस कौन सा है? यह टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चिल्ड्रन मतलब एक से अधिक की बात हो रही है, तो हैव सही है यहां तक, तो हैव बीन वॉचिंग। ठीक है, दिस चैनल, इस चैनल को कब से? सिंस मॉर्निंग से। ठीक ठाक लग रहा है ये। सेकेंड पढ़ते हैं, द चिल्ड्रन हैज, अरे चिल्ड्रन भैया प्लूरल है, इसका सिंगुलर क्या होता है? चाइल्ड। चाइल्ड एक बच्चा हो तो हम हैज का यूज करेंगे, लेकिन चिल्ड्रन मतलब एक से अधिक की बात हो रही है और एक से अधिक के लिए हम किसका यूज करते हैं? हैव। सिंगुलर के लिए हम हैज का यूज करते हैं और प्लूरल के लिए हम हैव का यूज करते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन प्लूरल है, हैव का यूज किया जाएगा, हैज का यूज नहीं किया जाएगा, गलत हो गया। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन हैज, इसमें भी, तो यह भी गलत हो गया। थर्ड है द चिल्ड्रन हैज, यह भी गलत हो गया। करेक्ट क्या होगा? पहले वाला। ध्यान रखेंगे, बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट, इट हैज बीन रेनिंग कॉन्टिन्यूसली फॉर अ वीक, एक हफ्ता, एक जो एक सप्ताह है तब से लगभग कंटिन्यूसली बारिश हो रही है। ठीक है, यह भी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इट, हमने कैटेगरी बनाई थी क्या? आई वी यू दे और नीचे ही शी। इट जो है वो नीचे वाली कैटेगरी के अंतर्गत आता है और नीचे वालों में क्या यूज करते हैं? हैज। ऊपर वालों के साथ क्या यूज करते हैं? हैव। ये ऊपर वाले प्लूरल कैटेगरी है, नीचे वाली क्या कैटेगरी है? सिंगुलर है। तो प्लूरल के साथ हम किसका यूज करते हैं? हैव का। सिंगुलर के साथ किसका यूज करते हैं? हैज। इट क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ प्लूरल का कैसे यूज हो जाएगा? तो यह गलत हो जाएगा। इट के साथ तो हैज आना चाहिए, इट के साथ हैज आना चाहिए। बचे कौन से दो? इट हैज और इट हैज। ठीक है, इट हैज बीन रेनिंग, ठीक है, इट हैज बीन रेनिंग, यह तक भी सही है। कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली, बचा क्या? फॉर अ वीक और सिंस अ वीक। हमने क्या कहा है
कि जब एक पॉइंट की बात हो, जब एक पॉइंट की बात हो, ठीक है, सिंस और फोर को अभी हमने पढ़ा, सिंस और फोर को हमने पढ़ा, तो सिंस और फोर में हमने कहा कि अगर हम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, अवधि की बात कर रहे हैं, तो हम फोर का यूज़ करेंगे, और एक पॉइंट की बात कर रहे हैं तो सिंस का यूज़ करेंगे। जब हम सप्ताह की बात करते हैं कि भैया बारिश सप्ताह एक सप्ताह से हो रही है, तो ये एक ड्यूरेशन है। कितना ड्यूरेशन है? 7 दिन का एक ड्यूरेशन है, 7 दिन का एक ड्यूरेशन है। और ड्यूरेशन होने के कारण इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? इसके साथ फोर का यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बात समझ में आ रही? नेक्स्ट समझते हैं। आउट ऑफ द गिवन फोर सेंटेंसेस चूज द वन विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट। आपको जो ग्रामेटिकली करेक्ट को पहचानना है। ही स्टिल हैजंट फॉरगिव मी, ही स्टिल हैजंट फॉरगिव मी, ही स्टिल हैजंट फॉरगिवन मी, ही स्टिल हैवंट फॉरगिवन मी। समझेंगे, हैज के साथ, हैव के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म। बता रहे हैं थोड़ी देर से। तो हैव हैज के साथ वर्ब है, ये फॉरगिव क्या है? फॉरगिव सेकेंड फॉर्म में, गिव फर्स्ट फॉर्म, गिव सेकेंड फॉर्म, गिवन थर्ड फॉर्म। फॉरगिव का मतलब होता है क्षमा करना, तो गिव सेकेंड फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म तो नहीं उपयोग किया जाएगा भैया। ये फॉरगिव हैव हैज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यह भी नहीं उपयोग किया जाएगा। फॉरगिवन, हाँ यह यूज किया जा सकता है और यह यूज किया जा सकता है। अब हम ऐसी स्थिति में देखते हैं क्या सब्जेक्ट के हिसाब से, अरे ही के साथ हैव का यूज किया जाता है? नहीं भैया, हमने जो हैव और हैज की कैटेगरी पढ़ी है उसमें हमने यह देखा है कि ही तो नीचे वालों में आता है, और नीचे वालों के साथ क्या यूज किया जाता है? हैज का यूज किया जाता है। यहां पर क्या यूज कर लिया गया है? हैव यूज कर लिया गया, तो यह भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 3 नंबर का होगा। नेक्स्ट समझते हैं। आउट ऑफ द गिवन फोर सेंटेंसेस चूज द वन विच इज करेक्ट। द टेलीफोन, अब टेलीफोन एक है, टेलीफोन कितने हैं? एक है, तो एक टेलीफोन के साथ हैव या हैज की बात होगी, तो हम देखते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वह प्लूरल है तो हम हैव का यूज करते हैं, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हैज का यूज करते हैं। टेलीफोन एक है कि एक से अधिक है भैया? भैया टेलीफोन है यार, एक ही दिख रहा है। अब एक दिख रहा है तो फिर प्लूरल क्यों लगाए हम? तो यह तो गलत हो गया है, यह भी गलत हो गया, यह भी गलत हो गया। टेलीफोन के साथ क्या आएगा? हैज यूज किया जाएगा। अब ये करेक्ट हो गया। समझ में आई बात? नेक्स्ट समझते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस फॉर द गिवन सेंटेंसेस। आई कम फ्रॉम द केरला, वेयर, मैं केरला से आता हूं। यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है, मतलब बात हो रही प्रेजेंट की। सर आपने थोड़ी देर पहले हमको नियम बताया था, क्या नियम बताया था? कि अगर ये पहला प्रेजेंट में हो तो दूसरा फ्यूचर में जाएगा। हाँ भैया, यह मैंने नियम आपको बताया था। उस नियम की एक शर्त थी। क्या शर्त थी? कि अगर वो सेंटेंस इफ से शुरू हो रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ मैंने लिखा था वहां पर कि इफ से शुरू हो रहा है, अनलेस से शुरू हो रहा है, या कंडीशन शर्त बताने वाला सेंटेंस है, वेन वाला है, तो हम ऐसा करते हैं। क्या यहां पर ये इस तरीके के शर्त वाला कोई सा वर्ड दिया हुआ है? जी नहीं, यहां तो स्टेटमेंट सीधे शुरू हुआ है, तो यहां पर वो नियम अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, यहां पर कौन सा नियम होगा? यहां पर वही नियम अप्लाई होगा कि अगर पहला सेंटेंस प्रेजेंट में है तो दूसरा भी प्रेजेंट में होगा, पहला अगर पास्ट में है तो दूसरा भी पास्ट में होगा। समझते हैं। या आई कम मतलब किसकी बात हो रही है? प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है, लगा दिया विल हो जाएगा गलत। आर यू कमिंग कंटिन्यूअस की बात हो रही है, जबकि यह कौन सा है? सिंपल है, तो यह भी गलत हो जाएगा। डिड यू कम कौन सा है? पास्ट का है, यह भी गलत हो जाएगा। डू यू कम करेक्ट होगा ये वाला। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट। Choose the correct form of the tense for the given sentences. Does your brother spoken, speaking, speaks or speak? बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट आज मैं आपको बता रहा हूं। इसको नोट डाउन कर लेंगे, इसको लिख लेंगे, इसको रट लेंगे, इसको समझ लेंगे, ठीक है, फिर कभी डू डज डिड वाला गलत नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं। कहीं पर भी एग्जाम में अगर आपको डू Does
did, can, should, may, will या shall, might, need, dare, would, ठीक है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, ध्यान रखना सब्जेक्ट के तुरंत बाद, अगर इन वर्ड्स का उपयोग दिख रहा है या फिर इस यूज्ड टू को हटा दो तो फिर इनके जस्ट बाद, इनके जस्ट बाद अगर वर्ब लगाने की बारी आए तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना। सर ये डिड के साथ भी, हाँ अगर स्टेटमेंट में डिड दिया हुआ है और डिड के साथ अगर आपको वर्ब का कोई सा फॉर्म यूज करना है तो डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उपयोग किया जाएगा। सर डिड तो पास्ट में होता है, हाँ पास्ट में होता है लेकिन ये डिड हेल्पिंग वर्ब हो जाती है तो फिर इसके साथ मेन वर्ब यूज की जाती है तो फर्स्ट फॉर्म उपयोग होगा। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है कि डू डज डिड कैन शुड मे माइट नीड डेयर वुड के साथ अगर वर्ब यूज करने की बारी आए तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। समझते हैं हमारा स्टेटमेंट क्या कहता है कि डज है, ठीक है, तो डू डज डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। स्पोकन क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। स्पीक्स क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एसीआईएस मतलब वर्ब का पांचवा फॉर्म। ठीक है, स्पीकिंग क्या है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म। स्पीक क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डू डज डिड के साथ हमें कौन सा फॉर्म यूज करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बाकी सब क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। करेक्ट कौन सा रहेगा, फोर्थ वाला। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, नेक्स्ट समझेंगे। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस फॉर द गिवन सेंटेंसेस ही हियर इन 1955। 1955 में ही हैज बीन वर्किंग, ही इज वर्किंग, ही वर्कड और ही वर्क्स। एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट बता देता हूं आपको, अगर इस तरीके का कोई सा ईयर दिया हुआ हो इन 1955 या फिर कभी कभी आपको ऐसा दिया हुआ हो अगो, ठीक है, कभी कभी पास्ट वाला इंसिडेंट दिया हुआ है यस्टरडे, इस तरीके के अगर स्टेटमेंट दिए हुए हो तो जनरली वहां पर पास्ट की बात होती है और पास्ट में भी मोस्टली वर्ब का सेकेंड फॉर्म उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर 1955 की बात हो, काफी पुरानी बात है, तो प्रेजेंट की तो बात हो ही नहीं सकती, इज वर्किंग भी नहीं होगा, वर्क्स भी नहीं होगा, करेक्ट होगा सेकेंड फॉर्म। बात समझ में आ रही, नेक्स्ट, ड्रिंक यूर मेडिसिन, ड्रिंक यूर मेडिसिन, भैया अपनी मेडिसिन ले लो, आपको क्या होगा, यू विल हैव फेल्ट, यू विल हैव फेल्ट। ठीक है, नहीं क्योंकि यह परफेक्ट की बात नहीं हो रही तो यहां भी कोई परफेक्ट नहीं होगा, यहां पर कंटिन्यूअस की बात नहीं हो रही इसलिए आगे भी कंटिन्यूअस की बात नहीं होगी, यहां पर प्रेजेंट सिंपल की बात तो हो रही है लेकिन यह एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, इंपेरेटिव, जिसकी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत होती है। जब आप काम लगाओगे तो कैसे लगाओगे, कि भैया ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, तो यहां पर सिंपल फ्यूचर की बात हो रही है कि यू विल फील मच बेटर, ये फील नहीं आएगा। नेक्स्ट समझते हैं, एवरी सैटरडे, हर संडे, हर संडे द क्लास, क्लास एक है। अब ये प्रेजेंट इनडेफिनेट वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या समझते हैं, इसमें समझना यह है प्रेजेंट इंडेफिनेट वाले फॉर्मूले में कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है ना तो वर्ब में केवल फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा, और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है ना तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एसीआईएस लगाया जाएगा। बात हो रही हर संडे, और हर संडे वाली जब बात होती है तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट। क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट, क्योंकि रेगुलर हैबिचुअल एक्शन के अंतर्गत आ गया ये कि हर संडे वो ऐसा करता है, हर संडे उसने ऐसा करता, तो इस तरीके का तो रेगुलर हैबिचुअल एक्शन, रेगुलर हैबिचुअल एक्शन। ठीक है, कि भाई हर संडे जो क्लास लगती है कहां पर, 10th फ्लोर पर मिलती है, सभी बच्चे वहीं पर मिलते हैं, तो एवरी सैटरडे द क्लास, क्लास क्या है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में क्या लगाते हैं अपन, एस या ईएस लगाते हैं, एस या ईएस वाली कौन सी, ये
ये मीट नहीं होगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज किया जाता है वर्ब में एस आई एस, यहाँ पर डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है तो ये तो नहीं होगा। विल मीट, विल के साथ मीट्स नहीं होता है, विल के साथ केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है तो विल के साथ क्या होगा, मीट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मेट, यह स्थिति बन सकती थी अगर यहां पर कोई पास्ट वाली बात दी हुई होती कि दो साल पहले कि दो दिन पहले कि उस समय में, ठीक है, तो फिर ऐसी ऐसी पास्ट वाला, लेकिन यहां पर ऐसी कोई स्थिति नहीं दी हुई है इसलिए कौन सा होगा, मीट्स का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट समझते हैं, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस फॉर द गिवन सेंटेंसेस। व्हेनेवर, जब कभी भी आई, मैं उसे मिलता हूं, मेक्स रूड रिमार्क्स अबाउट मी, तो मेरे बारे में कुछ ना कुछ उठपटांग कहता है या रूड रिमार्क्स देता है। ठीक है, व्हेनेवर, जब कभी भी आई, अब देखेंगे यह हैव के साथ ये सी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दे दिया है। हमने आपको बताया है कि हैव हैज हैड के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो पहले तो गलत यह हो जाता है, दूसरा यह स्टेटमेंट दिया है ही मेक्स रूड वर्ब कमेंट करता है, मतलब प्रेजेंट की बात हो गई तो प्रेजेंट में यह पास्ट वाली बात तो हो ही नहीं सकती क्योंकि सी सेकेंड फॉर्म हिस्सा। एम सीइंग कंटिन्यूअस, यहां पर कोई कंटिन्यूअस वाली फीलिंग नहीं है, इनडेफिनेट वाली है तो इसे भी हटा देंगे, सिंपल बसता है प्रेजेंट सिंपल का एक ही बसता है तो यही यूज किया जाएगा। नेक्स्ट समझते हैं, He had been dancing when the instructor walked in. He had been dancing. ठीक है, वो dancing कर रहा था when, जब the instructor walked in, जब अंदर instructor आया। अब ये कह रहे हैं कि इस statement को पहचानना है कि statement आखिरकार है कौन सा। ठीक है, तो actual में हो क्या रहा था, He had been dancing, वह नाच रहा था। ठीक है, अब देखिए नाच रहा था कंटिन्यूअस की बात हो रही है। ठीक है, कब नाच रहा था, पास्ट में, लेकिन उसने साथ ही साथ एक टाइम भी दे दिया है। ठीक है, साथ ही साथ उसमें क्या दे दिया है, एक पैरेलल टाइम भी दे दिया है। तो यहां पर जब कोई काम किसी पिछले निश्चित समय से चालू हो रहा था या किसी निश्चित टाइम पर कंटिन्यूअस चल रहा था तो उसके लिए देखिए समझना क्या है कि जो टेंस जो स्थिति है आपको एक्शन को पहचानना है कि कौन से टाइम की कौन से ड्यूरेशन की वो पर्टिकुलर एक्शन है वो बता देता है। कैसे, अगर प्रेजेंट में कंटिन्यूअस है तो क्या कहलाएगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर पास्ट में कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस। अगर फ्यूचर में कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहां पर कोई कार्य परफेक्ट नहीं हुआ है इसलिए यह तो बात हो ही नहीं सकती। दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आपको कोई पिछले किसी निश्चित समय से प्रारंभ होकर अभी तक वह नहीं चल रहा है इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अर्थ क्या होता है, जब कोई कार्य प्रेजेंट में परफेक्ट समय से कंटिन्यूअस हो। जब कोई कार्य प्रेजेंट में कंटिन्यूअस तो हो लेकिन परफेक्ट समय से कंटिन्यूअस हो तो वह होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो यह भी नहीं हो रहा है। दूसरा हमारे पास कौन सा बचता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला क्या होता है, हेड के साथ बीन और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। अब बताइए कि दो में से कौन सा स्टेटमेंट यहां पर दिया हुआ है, तो यहां पर दिया हुआ है हेड के साथ बीन मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म, मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला सेंस यहां पर दिया हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होता है, हैव या हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैव हैज बीन के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म। हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ही हैड बीन, मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हैड बीन वाला दिया हुआ है। ठीक है, तो ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट समझते हैं, ये पैटर्न इसलिए यहां पर लाया गया है एग्जाम में क्योंकि आजकल जो है मोस्टली इस पैटर्न से भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है,
आइडेंटिफाई द टेंस द गिवन सेंटेंस बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई विल हैव अपीयर्ड फॉर माय फाइनल एग्जामिनेशंस. ठीक है, ये हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब बात किसकी हो रही है, परफेक्ट की. हैव के साथ जब भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो बात किसकी होती है, परफेक्ट की. और यहां पर दिया हुआ हैव, हैव मतलब क्या होता है, प्रेजेंट. तो जो यहां पर जो टेंस होगा वो कौन सा होगा, ये टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट. कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट. तो यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट क्या कॉन्टिन्यूस वाली फीलिंग आ रही है, आई हैव अपीयर्ड नहीं आ रही है, तो परफेक्ट वाली बात हो रही है, तो यहां पर कॉन्टिन्यूस का तो बात ही नहीं हो रही है. ठीक है, दूसरा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट. ठीक है, तो यहां पर हैव के साथ वर्ब का जो थर्ड फॉर्म आता है वह परफेक्ट बताता है, लेकिन ये विल जो आ रहा है ये फ्यूचर को बता रहा है. तो क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा. क्या हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस दिया हुआ है, जी हाँ यह दिया हुआ है. ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाला होगा करेक्ट आंसर, फोर्थ. नेक्स्ट समझते हैं, चूज द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द गिवन. इफ ही देयर ही मस्ट हैव हर्ड द टॉक. If he there, he must have. ये must have जो है कहीं ना कहीं perfect को sense दे रहा है. ठीक है, अब perfect की बात अगर बाद वाले statement में हो रही है तो पहले वाले statement में भी perfect की बात होगी. और perfect की condition क्या है कि जब भी perfect use किया जाता है वहां पर have has के साथ verb का third form उपयोग किया जाता है. तो पहली बात तो ये इज यहां से हट जाएगा, वाज यहां से हट जाएगा, वर यहां से हट जाएगा. क्यों हट जाएगा, क्योंकि ये परफेक्ट वाला सेंस नहीं दे रहे हैं. ठीक है, अब बचता क्या है, मस्ट हैव हर्ड, अब बचता है हैव बीन. लेकिन एक और इसमें एरर है, क्या ही के साथ, ही के साथ हम जनरली क्या यूज करते हैं, हैज का यूज करते हैं. और यहां पर हमारे पास जो ऑप्शन बचा है वो कौन सा बचा है, हैव का बचा है. तो ये यहां पर इसमें भी थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहां पर करेक्ट क्या होगा, हैज का यूज किया जाएगा. तो क्या होगा, इफ ही हैज बीन देयर ही मस्ट हैव हर्ड द टॉक. इफ ही हैज बीन देयर ही मस्ट हैव हर्ड अबाउट द टॉक. ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, नेक्स्ट समझते हैं. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक विद द सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ द फॉर्म ऑफ द गिवन. सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या कहता है कि भैया सब्जेक्ट जो होता है ना उसके साथ आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना होता है, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ई एस लगा देना. ठीक है, तो बताइए कि प्रेजेंट परफेक्ट वाला सेंस कौन सा दे रहा है, सिंपल वाला, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ई एस. तो यहां पर ये स्पोक सेकेंड फॉर्म है तो ये तो नहीं होगा, स्पीकिंग आई एन जी फॉर्म है यह भी नहीं होगा, ये भी आई एन जी नहीं होगा, सिंपल कौन सा बचता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वाला, तो सी हो गया. नेक्स्ट समझते हैं, दे हैज लेफ्ट फॉर द दिल्ली यस्टरडे. यस्टरडे की बात हो रही है, हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि यस्टरडे की बात हो रही है, मतलब पास्ट की बात हो रही है. पास्ट की बात अगर हो रही है तो भैया ये आर आपका क्या काम है, क्योंकि आर तो प्रेजेंट का है. ठीक है, ये लिव का भी कुछ काम नहीं है क्योंकि यह भी प्रेजेंट का है. बचते क्या है, हैज लेफ्ट और केवल लेफ्ट. हैज लेफ्ट नहीं बचेगा क्योंकि यह भी प्रेजेंट का है. बचता क्या है, एकमात्र लेफ्ट जो कि पास्ट का है. ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं, दे चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन. ठीक है, दे चेस वेन आई वेंट टू सी देम. जब मैं उन्हें देखने के लिए गया, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, वेंट मतलब पास्ट की बात हो रही है. ठीक है, पास्ट की बात हो रही तो ये आई एन जी का यहां पर कोई काम नहीं है, यहां आई एन जी प्रेजेंट के साथ कोई काम नहीं है. ठीक है, अब बचते कौन से, वर्ब प्लेइंग और वास्ट प्लेइंग. वास्ट प्लेइंग दोनों पास्ट के हैं, वर प्लेइंग एंड वाज प्लेइंग दोनों पास्ट के हैं. तो यहां पर दे जो है, दे के साथ वर का यूज किया जाता है या वाज का यूज किया जाता है, तो फ्रेंड्स दे के साथ वर का यूज किया जाता है. किसका यूज किया जाता है, वर का. सर हमें तो यह कॉन्सेप्ट नहीं पता है, अगर आपको नहीं पता है ना तो देख लेते हैं, समझ लेते हैं. आई के साथ पास्ट में वाज का यूज किया जाता है, वी यू दे और प्लूरल के साथ
वर्ब का यूज किया जाता है एंड ही शी इट नेम और सिंगुलर के साथ वाज का यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, दे है, दे के साथ हम क्या यूज करते हैं, वर का यूज करते हैं और यहां वाज है तो यह भी इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट क्या होगा, सी दे वर चेस, दे वर प्लेइंग। ठीक है, तो दे वर प्लेइंग चेस व्हेन आई वेंट टू सी देम, जब मैं उन्हें देखने के लिए गया तो वे चेस खेल रहे थे। स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड चूज द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज इट। इफ आई हैव विंग्स, अगर मेरे पास विंग्स हो आई वुड फ्लाई, मैं उड़ू। समझेंगे, ये जो इफ आई हैव यहां पर दिया हुआ है यह प्रेजेंट सिंपल का है। सर हैव दिया हुआ है तो हैव में तो आप बताते हैं कि परफेक्ट का यूज होता है। भैया हैव के बारे में मैंने आपको बार बार एक स्टेटमेंट बताया है कि हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर यूज किया जा रहा है तो वह परफेक्ट होगा, अगर सिंपल हैव का यूज किया जा रहा है तो वह प्रेजेंट का होता है। जैसे कि मेरे पास मोबाइल है, आई हैव मोबाइल, मेरे पास काम है, आई हैव वर्क, ये प्रेजेंट का टेंस है। ठीक है, तो यह अगर प्रेजेंट सिंपल का है तो अगला स्टेटमेंट कौन सा होता है, भैया फ्यूचर सिंपल का होता है, हमने स्टार्टिंग से डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो यह अगर प्रेजेंट सिंपल है तो अगला क्या होगा, फ्यूचर सिंपल। इफ आई हैव विंग्स आई विल फ्लाई, यह बात सत्य हो सकती है। इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई। ठीक है, इफ आई हैड विंग्स, अगर मेरे विंग्स होते तो मैं उड़ता, यह बात भी सत्य हो सकती है। इफ आई हैड विंग्स, If I had wings, I would have fly, ये तो गलत हो गया। ठीक है, If I had wings, I will fly, अरे ये पास्ट में गया तो ये फ्यूचर में कहाँ से, यह भी गलत हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शंस बचते हैं, If I have wings और If I had wings। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है यह, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। दोनों स्टेटमेंट सही क्यों है, क्योंकि यह प्रेजेंट सिंपल में अगर दिया हुआ है तो अगला भी किस में आएगा, अगर यह प्रेजेंट सिंपल में दिया हुआ है तो अगला फ्यूचर सिंपल में है, और अगर यह पास्ट सिंपल में दिया हुआ है तो यह पास्ट का जो है फ्यूचर जो होगा, यह विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है, हैव का पास्ट फॉर्म हैड है, इसी प्रकार विल का पास्ट फॉर्म क्या है, वुड है। तो यह दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है। नेक्स्ट समझते हैं कि इफ इट वी विल कैंसल द पार्टी। ठीक है, इफ इट अगर होती है वी विल कैंसिल द पार्टी। ठीक है, हम पार्टी कैंसिल कर देंगे। तो इफ इट वर रेनिंग, अरे भैया हम यह बात किसकी कर रहे हैं, विल की। विल अगर ये फ्यूचर है तो हमने क्या कहा है कि इफ से अगर कोई स्टेटमेंट शुरू हो रहा है तो पहला अगर प्रेजेंट में है तो दूसरा किस में जाएगा, फ्यूचर में। अब यहां पर दूसरा किस में दिया है, फ्यूचर में, तो पहला हमको कौन सा देखना है, प्रेजेंट का। तो रेंड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वर रेनिंग क्या होगा, गलत हो जाएगा। बचते कौन से हैं, रेन्स और रेन। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, इट, और इट के साथ हम किसका यूज करते हैं, रेन्स का यूज करते हैं, रेन का यूज नहीं करते हैं। तो करेक्ट क्या होगा, सी। नेक्स्ट समझते हैं, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस फॉर द गिवन सेंटेंसेस। ही ब्लैंक टू अ वेल टू डू फैमिली एंड हैज एन एक्सपेंसिव मोटर। ठीक है, वह व्यक्ति जो है, ठीक है, उसके पास एक्सपेंसिव मोटर है, महंगी गाड़ी है। यह बात हो गई किसकी, प्रेजेंट सिंपल की। स्टेटमेंट अगर पहला स्टेटमेंट प्रेजेंट में, दूसरा भी प्रेजेंट में रहेगा, या दूसरा प्रेजेंट में है तो पहला भी प्रेजेंट में रहेगा। हैज बीन बिलोंगिंग, क्या यह परफेक्ट वाली बात हो रही है, नहीं परफेक्ट वाली बात नहीं हो रही, तो इसको भी हटा दो। क्या यह पास्ट वाली बात हो रही है, वाज बिलोंगिंग, नहीं। बचते क्या है, बिलोंग्स और इज बिलोंगिंग। क्या यह कॉन्टिन्यूस वाला सेंस दे रहा है, नहीं। तो बचता कौन सा है, सिंपल स्टेटमेंट, बिलोंग। ही बिलोंग्स टू अ वेल टू डू फैमिली, वो एक अच्छे परिवार को बिलोंग करता है, एंड हैज एन एक्सपेंसिव मोटर बाइक, उसके पास जो बाइक है वो महंगी बाइक है। नेक्स्ट है, व्हाट डिड हैरी हैड इन अ कॉमन विथ नेथनियल। ठीक है, व्हाट डिड हैरी हैड इन अ कॉमन विथ नेथनियल। अब हमको क्या करना है, इसको जो करेक्ट आंसर जो है उसको रेक्टिफाई करता हो उसके बारे में बात करना है। ये जो डिड है ना फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था कि डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है, और ये जो हेड है ना,
इसका फर्स्ट फॉर्म है हैव और सेकेंड फॉर्म है हेड, ठीक है। तो डिड के साथ हेड आ रहा है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। यहां पर इनकरेक्ट, अब करेक्ट ढूंढना है। व्हाट डज हैरी हेड, अरे डज के साथ सेकेंड फॉर्म कहां गए, तो ये तो गलत हो गया। व्हाट डू हैरी हेड, डू के साथ सेकेंड फॉर्म, गलत, क्योंकि हमने क्या कहा है कि डू डज और डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है, ठीक है। डिड के साथ हैज और डिड के साथ हैव, ठीक है। तो देखिए, क्या मुझे बताइए कि डिड के साथ क्या कभी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाया जा सकता है? नहीं लगाया जा सकता। क्यों नहीं? क्योंकि ये वर्ब का साथ एस या ईएस फॉर्म जो है ये प्रेजेंट की बात बताता है और डिड जो है ये पास्ट की बात बताता है। तो जब हैव में हैव या एस या ईएस लगाते हैं तब ये बनता है हैज, ठीक है। तो यह भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। यहाँ पर हैव जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो करेक्ट क्या होगा? फोर्थ नंबर का आंसर करेक्ट होगा। बात समझ में आ रही है? अगर आपको सारी चीजें समझ में आ रही है, आपको अगर लगता है कि हम जो बात बता रहे हैं ये थोड़ा बहुत आपको इसमें समझ में आ सकता है, आप एक काम कीजिएगा, हमारा एक चैनल है, ठीक है, हमारा एक मास स्टडी करके, ठीक है, एक ग्रामर का चैनल है, एक स्पोकन इंग्लिश का है। तो स्पोकन अगर आपको सीखना है तो मास स्टडी केवल स्पोकन का चैनल है। दूसरा, मास स्टडी के नाम से आपको गूगल प्ले स्टोर पर, ठीक है, या फिर आप अगर एप्पल यूज़र है तो वहाँ का जो भी स्टोर है उस पर आपको एक ऐप मिलेगी जिसमें हमारे कोर्सेज के बारे में बहुत विस्तृत श्रृंखला आपको मिलेगी। और ये ग्रामर का कोर्स तो नॉमिनल फीस में आपको उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। तो आप मास स्टडी विजिट कर सकते हैं जहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्सेज की जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट है, ही टू कोलकाता यस्टरडे, अरे भैया वो कल गया। कल की बात हो रही मतलब पास्ट की बात है, कल की बात है मतलब हैव नहीं आएगा, हैज नहीं आएगा, ठीक है। बचा क्या? गोन। तो सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद कभी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म हम उपयोग ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट ही है, इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यह भी नहीं होगा। बचा क्या? ही वेंट, दैट विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, जेन जस्ट अ फ्यू मिनट्स अगो, कुछ मिनट्स अगो, ठीक है। ये जो अगो जब भी बात होगी, किसकी? अगो की जब भी बात होगी तो हम क्या बात करते हैं? पास्ट की। पास्ट की बात करते हैं तो हैज बीन आएगा नहीं, हेड आएगा नहीं। दूसरा एक और इसमें, ये हेड तो क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि यहाँ पर वर्ब के थर्ड फॉर्म की जरूरत पड़ती है। हमने बताया है क्या कि हैव, हैज और हेड के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, ठीक है। तो यह तो इनकरेक्ट हो गया। ये पास्ट की बात हो रही है तो लिव्स आएगा नहीं, ठीक है। बचते क्या है? केवल लेफ्ट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? लेफ्ट होगा, जो कि वर्ब लिव का सेकेंड फॉर्म है। नेक्स्ट है, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेंस दैट बेस्ट फिल्स द कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। व्हेन आई वाज 10, जब मैं 10 साल का था, आई म्यूजिक लेसन एवरी डे, मैं रोज म्यूजिक लेसन क्या करता था? यूज टू हैव, हैव हेड, अरे भैया हैव हेड कहाँ से आ जाएगा? हैव हेड तो नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि हैव हेड परफेक्ट का सेंस देते हैं। और हम क्या बोल रहे हैं कि जब मैं 10 साल का था, ठीक है। दूसरा है यूज टू बी हैविंग, ठीक है, यूज टू बी हैविंग नहीं होगा, ठीक है। हैव बीन हैविंग, अरे बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। करेक्ट क्या होगा? यूज्ड टू हैव, क्या होगा? यूज्ड टू हैव। तो व्हेन आई वाज 10, जब मैं 10 साल का था, आई यूज्ड टू हैव, मैं लिया करता था क्या? म्यूजिक लेसन एवरी डे। नेक्स्ट है, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, जब भैया ये एवरी वाला सेंस आए या फिर ईच वाला सेंस आए तो ध्यान रखना जो वर्ब हम यूज करेंगे वो वर्ब यूज की जाएगी सिंगुलर वर्ब। कौन सी यूज की जाएगी? सिंगुलर वर्ब। जब ईच और एवरी की बात हो और वर्ब हमें यूज करना हो तो कौन सी वर्ब यूज की जाएगी? सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। कौन सी वर्ब यूज की जाएगी? सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो अब ये आर तो प्लूरल वर्ब है, हैव भी प्लूरल वर्ब है, वर्ब भी प्लूरल वर्ब है, करेक्ट क्या है? वॉज, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखेंगे, इफ आई माई पोस्ट ग्रेजुएशन आई ब्लैंक प्रोफेसर लाइक माई फादर। आप देखिए यहां पर क्या समझना है हमको, हमें यहां पर समझना है वो वाला कॉन्सेप्ट जो हमने सबसे पहले पढ़ा था। कौन सा कॉन्सेप्ट? देखते हैं, क्या कहा था हमने? हमने यह कहा था कि अगर पहला स्टेटमेंट प्रेजेंट में है सिंपल में तो दूसरा फ्यूचर सिंपल में होगा, अगर पहला स्टेटमेंट पास्ट सिंपल में है
तो दूसरा किस में होगा? वुड शुड माइट पास्ट के मोडल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा। अगर पहला स्टेटमेंट परफेक्ट में है तो दूसरा स्टेटमेंट परफेक्ट में यूज किया जाएगा। अब यहां पर क्या है, इफ आई हैड कंप्लीटेड, ये पास्ट वाला है, तो कुड हैव बीन प्रोफेसर, यह बात सही हो सकती है। दूसरा, इफ आई वर टू कंप्लीट हैड बीन, अरे भैया ये तो बिल्कुल भी नहीं जम रहा है। If I am completing कर रहा हूं तो would be, अरे ये present में है, ये would past में है, तो यह भी नहीं होगा। Were completed, would have been, ठीक है, ये दो स्थितियां बन सकती है। कौन सी? If I had completed, I could have been, बन सकता था। If I were completed, If I were completed, ये देखिए यहां पर इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि ये केवल perfect वाला sense नहीं दे रहा है, ठीक है, तो यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। पहला क्या होगा कि इफ आई हैड कंप्लीटेड, अगर मैं कंप्लीट कर चुका होता माय पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आई कुड हैव बीन, मैं बन चुका होता क्या अ प्रोफेसर लाइक माय फादर, मेरे पिताजी की तरह प्रोफेसर। नेक्स्ट है कि एवरी डे, मतलब हर रोज की बात हो गई है। द डॉग एवरी डे, ग्रेजुअली, जनरली, इस तरीके के जो सेंटेंसेस आते हैं ये बताते हैं प्रेजेंट सिंपल को। किसे बताते हैं? प्रेजेंट सिंपल को। और जब प्रेजेंट सिंपल की बात होती है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। एवरी डे रोज की बात है, डेली रूटीन, डेली रूटीन के फॉर्मूला यही है कि सिंगुलर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आई एस, प्लूरल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब भैया द डॉग सिंगुलर है तो वर्ब में क्या आना चाहिए? एस आई एस आना चाहिए। तो डॉग क्या करता है? प्रतीक्षा करता है। क्या करता है? प्रतीक्षा करता है, वेट्स। ये बात एक सही है। दूसरा, एंड द, एट द गेट, गेट पर, एंड द गेट कीपर, और गेट कीपर क्या करता है? गेट कीपर कितने हैं? एक है, तो ये भी अगर एक है तो वर्ब के साथ क्या आएगा? एस आई एस, तो फिट्स खिलाता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थ्री हो जाएगा। दूसरे क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि डॉग सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं किया जाता, ठीक है। दूसरा, डॉग हैज वेटेड तो है, पर ये अगर ये पहला परफेक्ट फॉर्म और दूसरा सिंपल में, यह भी नहीं बात हो सकती, ठीक है। इज वेटिंग कंटिन्यूअस और ये एम इज के साथ सेकेंड फॉर्म, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? थर्ड वाला। नेक्स्ट समझते हैं कि वी कैन नॉट ऑर्गेनाइज द शो, हम किसी शो को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते इफ, यदि, अब हम कर नहीं सकते, मतलब बात किसकी हो रही है? प्रेजेंट की, एक तरीके से सिंपल बात हो रही है। जब प्रेजेंट सिंपल की बात होती है तो रेंड तो बात ही नहीं आएगी पास्ट की, हेड रेंड भी नहीं होगा, ठीक है। विल के साथ हो सकता था, लेकिन यहां पर विल के साथ वर्ब में एस आई एस दे दिया, एस आई एस देने के कारण ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन जाता है, और विल के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है, फिफ्थ फॉर्म नहीं लगाया जाता, ठीक है। तो यह भी क्या होगा? इनकरेक्ट हो जाता है। बचता कौन सा है? इफ इट रेन्स, ये जो कि करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, चूज द एप्रोप्रिएट, द समर हॉलीडेज आर ओवर, ठीक है, एंड ऑल स्कूल्स, जो समर हॉलीडेज है वो समाप्त हो चुके हैं, होने वाले हैं, एंड ऑल स्कूल्स, और सभी स्कूल्स क्या हो रहे हैं, ठीक है, हैव रीओपन, अरे भैया हमने बोला है ना हैव हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, यह तो बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा, हैव, अरे स्कूल्स बहुत सारी है, ठीक है, तो बहुत सारी है तो हैज कहाँ से आ जाएगा, ये बात भी नहीं होगी। दूसरा, हैव रीओपन्ड और हैड रीओपन्ड, अरे बात किसकी हो रही है? प्रेजेंट की बात हो रही है, तो अगर यहाँ पर प्रेजेंट है तो अगले स्टेटमेंट में भी क्या होना चाहिए? प्रेजेंट, और ये कौन सा है? पास्ट स्टेटमेंट है, तो करेक्ट क्या होगा? बी वाला करेक्ट होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये जो हम क्वेश्चंस लेकर के आए थे, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस है, एक भी क्वेश्चंस दूसरा क्वेश्चंस नहीं लिया है। इट मीन्स सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसी पैटर्न में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और आप इस तरीके से अगर सारे कोर्सेज कंप्लीट, हमारे कोर्स की जानकारी लेना चाहते हैं या हमारा कंप्लीट कोर्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं ऑल इन वन इंग्लिश ग्रामर का कोर्स। इस कोर्स में क्या मिलेगा आपको? इसमें हमने कोशिश की है कि लगभग सारी एग्जाम
एग्जाम्स को कवर किया है, मतलब किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की, एसएससी की, एनडीए की, केट की, सीटेट की, या किसी भी प्रकार की कॉम्पिटेटिव एग्जाम, वे सारी एग्जाम्स जिनमें इंग्लिश पूछी गई है, उन सारी एग्जाम्स को हमने कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो यहाँ पर सारी एग्जाम्स को लगभग कवर किया गया है। टॉपिक वाइज आपको लाइव टेस्ट मिलेंगे, जैसे कि अगर आपने नाउन पढ़ा है तो नाउन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ताकि उसका सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है, हमने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी दिए हैं, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस कर सके, अपने आप को इवेल्यूएट कर सके कि कहां तक हम पहुंच गए हैं। 24/7 टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा, जब भी कोई समस्या आती है आप कॉल कर सकते हैं। प्रैक्टिस शीट्स और नोट्स जो है आपको मिलेंगे, जो भी टॉपिक हमने पढ़ाया है समझाया उसका। बेसिक टू एडवांस, शून्य से शिखर की यात्रा है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आपको लग रहा है ना कि हमें कुछ भी नहीं आता है कॉम्पिटिटिव में, तो आप हमारा इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें बेसिक एकदम बेसिक से स्टार्ट किया गया है और एडवांस लेवल की ग्रामर तक पढ़ाई गई है। ठीक है, और आपको एक्स्ट्रा अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मास स्टडी आपके लिए लेकर क्या है, बेस्ट स्पोकन इंग्लिश बैच। ठीक है, जिसमें जीरो से हीरो लेवल तक स्पोकन इंग्लिश करवाई जाएगी। ठीक है, उसे ये इसका ड्यूरेशन 6 मंथ का रहेगा। बेसिक टू एडवांस इंग्लिश कंप्लीट मिलेगी, इसमें आपको रेगुलर होमवर्क मिलेगा। ठीक है, और लाइव टेस्ट रहेंगे 50+, और जो है इसका PDF मिलेगा, प्रैक्टिस शीट मिलेगा। ठीक है, एक्सपर्ट एडवांस, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमारा इंग्लिश काफ़ी अच्छा है लेकिन और हमें एक्सपर्ट लेवल पर पहुंचाना है, तो आप हमारा इस एक्सपर्ट एडवांस्ड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका ड्यूरेशन भी 3 मंथ का है, डेली लाइव क्लासेस मिलेगी आपको। ठीक है, आपको इसमें एडवांस लेवल पर कन्वर्सेशन करने को मिलेगा, आप बातें कर सकते हैं इंग्लिश में, इसमें डिबेट होगा, इंटरव्यू प्रिपरेशन होगा, सारे PDF नोट्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो है आप कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं विस्तृत जानकारी के लिए। हाँ, आपका अगर छोटे बच्चे हैं आपके घर में, या फिर छोटे बच्चों के लिए अगर आप कोर्स ज्वाइन कराना चाहते हैं, तो किड्स के लिए भी हमारे पास एक स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस अलग से है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि सर हमें इंग्लिश तो आती है लेकिन हमारी कहीं ना कहीं वोकैब कमजोर है, तो वोकैब के लिए प्राइम वोकैबुलरी बूस्टर कोर्स हम लेकर के आए आप सभी के लिए, जिसका 2 मंथ्स का ड्यूरेशन रहेगा, लाइव क्लासेस में रहेगी आपको, तो बहुत सारी चीजें इसमें आप मिलेगी। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर हम बहुत सारे क्लासेस विजिट कर लिए, हम क्लास में जाते हैं वहां पर हम स्पोकन इंग्लिश कोर्स करने की कोशिश करते हैं, इंग्लिश बोलने की कोशिश तो करते हैं लेकिन पड़ोस में बहुत सारे लोग रहते हैं, हंसते हैं, हमको डर लगता है, हमको हिचकिचाहट होती है, हमें कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए कि हमको पर्सनल ट्रेनर मिल जाए और केवल हम रहें और हमारी जो भी गलतियां उनको बताते रहे और हमको प्रैक्टिस हमको करेक्ट करते रहे, तो आपके लिए ये कोर्स भी हम लेकर के आए, पर्सनल इंग्लिश ट्रेनर, जहां पर आपके ट्रेनर रहेंगे और आप रहेंगे और आप अपने सारे डाउट्स जो है बिना हेजिटेशन के उनको बता सकते हैं और सारी प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन करेंगे आपके। ठीक है, आपके इसका फीचर्स क्या है कि केवल एक स्टूडेंट आपकी क्लास में रहेगा, 1-to-1 लाइव क्लासेस रहेगी आपको। ठीक है, बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ाया जाएगा, सारी प्रैक्टिस शीट रहेगी, PDF नोट्स मिलेगा। और हाँ, आपको लग रहा है कि नहीं सर हमारे पास इतना समय नहीं, हमको तो कोई सी एक किताब मिल जाए जिसमें सारा पिटारा छिपा हो स्पोकन इंग्लिश का, तो यह भी है स्पोकन इंग्लिश की बुक, इसे भी आप हमारे ऑर्डर कर सकते हैं ये नंबर से। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको ठीक ठाक लगा हो, ठीक है, तो आप हमारा चैनल जो है उसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, एक निवेदन है कि आप इस मास स्टडी ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे कोर्सेज आपके हिसाब से, और इन कोर्सेज के अलावा बहुत सारे कोर्सेज है, हो सकता है कोई सा कोर्स आपके लिए ही बना हो। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।